आज अपने वीरों की शहादत, उनकी कुर्बानी, उनके बलिदान को भी याद करने का दिन इसलिए विशेष है, आज ही के दिन जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये जयंती दिवस है। उनकी ओजस्वी जीवन को, जिनकी योग में, अध्यात्म में और भारतीय संस्कृति में महर्षि दयानंद के विचारों और वैदिक विचारों के प्रति अनन्य निष्ठा थी, जिन्होंने कभी भी अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा और अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया, उस महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए भी संकल्पित होते हैं। हम जो ये गीत गाते हैं ना, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे कफन स्वदेशी, ये गीत किसका है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का है। तो आज हम संकल्पित होंगे कि हम भी उनकी तरह स्वदेशी के व्रत में जिएंगे, स्वाभिमान के साथ जिएंगे, देश के लिए, स्वदेशी के लिए जो ऊंचा गौरव का भाव पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था के भीतर था, उसी भाव से अनुप्राणित होकर के हम भी अपने जीवन को जिएंगे और ऐसे उस महापुरुष की जयंती पर उनको प्रणाम और नमन करते हुए, जो वेदों की विचारधारा, अपने संगठन की विचारधारा, वैचारिक अधिष्ठान के नाम के तौर पर हम यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह है हमारी विचारधारा, वैदिक विचारधारा है, जो अपने पूर्व ऋषि मुनियों की विचारधारा थी, जो उनके जीवन के सिद्धांत थे, वही वैचारिक अधिष्ठान हमारा है। और उस वैदिक विचारधारा में यदि सबसे अधिक किसी क्रांतिकारी को हम अपने करीब पाते हैं तो वह है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका पूरा जीवन बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सब के लिए, सभी दृष्टिकोणों से। रोज संध्या हवन करना, रोज दंड बैठक लगाना, रोज प्राणायाम करना, रोज ध्यान करना, माने एक योगी और योद्धा का पूरा चरित्र यदि किसी में घटित होता है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है।